हे गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका होम ब्रू इंडिया में। तो आज हम बनाएंगे कोल्ड ब्रू कॉफ़ी। ये इंस्टेंट कॉफ़ी है, इससे कोल्ड ब्रू कॉफ़ी नहीं बनेगी। नहीं, इससे आइस्ड कॉफ़ी बनेगी। ग्राउंड कॉफ़ी चाहिए कोल्ड ब्रू के लिए। तो इससे आइस्ड कॉफ़ी बनेगी, इससे बनेगी कोल्ड ब्रू कॉफ़ी। ओके, हे गाइस, वेलकम बैक टू होम ब्रू इंडिया। सो आज हम बनाएंगे कोल्ड ब्रू कॉफ़ी। कोल्ड ब्रू कॉफ़ी और आइस्ड कॉफ़ी में सिर्फ ये डिफरेंस है कि कोल्ड ब्रू कॉफ़ी को लंबे पीरियड के लिए रखा जाता है और जो कॉफ़ी की एसिडिटी और जो कड़वास होती है वो कम निकलती है। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीने को मिलती है और उसमें कैफीन का कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। बट मुझे ज़्यादा कैफीन से फ़र्क नहीं पड़ता, या पड़ता है। काफ़ी महीनों से मेरे इतने सारे फ्रेंड्स रोज़ कैफ़े में मिलते थे और रोज़ कोल्ड ब्रू कॉफ़ी पीते थे, लेकिन अभी जब लॉकडाउन आया तो सब मेरे को बोलते थे कि कोल्ड ब्रू कॉफ़ी नहीं मिल पा रही, मैं क्या करूं। तो कोल्ड ब्रू कॉफ़ी बनाना घर में इतना इजी है और इतना सिंपल है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम यूज़ करेंगे एक बहुत ही अच्छी ग्राउंड कॉफ़ी जो पास ही में एक कैफ़े में मिलती है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांड या कोई पर्टिकुलर टाइप की कॉफ़ी पसंद है तो आप वो भी ले सकते हैं। आप चाहें तो आप खुद भी बीन्स को ग्राइंड कर सकते हैं घर पे। लेकिन अभी मैं यूज़ करूँगा ग्राउंड कॉफ़ी। अगर ग्राउंड कॉफ़ी आप पहली बार लेने जा रहे हैं या आपको थोड़ी हेल्प चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए हैं, आप चाहें तो वो ट्राई कर सकते हैं। ये कॉफ़ी का बैग मुझे मेरे फ्रेंड कुणाल ने दिया है। अगर आप गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उसका चैनल चेक करिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो कोल्ड ब्रू कॉफ़ी पे वापस आते हैं। ये कॉफ़ी भरी हुई है कैफीन से। एक्चुअली ये कॉफ़ी नहीं, ये कैफीन की फैक्ट्री है। हमें चाहिए आधा कप ग्राउंड कॉफ़ी, ये रफली हुई 60 से 65 ग्राम। कॉफ़ी को डालेंगे एक कांच के कंटेनर में। ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं इसमें एक टाइम पे मेरी न्यूट्रिशन ड्रिंक रहती थी। अब देखिए क्या काम आ रही है। मेरी मॉम को ऐसी चीज़ों को आर्टिस्टिक टच देना पसंद है, तो उसके लिए थम्स अप। कॉफ़ी को बैग से निकालने के बाद बैग को फटाफट से सील कर दीजिएगा। काफ़ी बैग्स में वन वे वाल्व होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, जिससे कॉफ़ी ज़्यादा समय तक फ्रेश रहती है। अगर कॉफ़ी को डीगैस करते हुए आप कॉफ़ी के अरोमास नहीं सूंघते तो क्या आप असली कॉफ़ी लवर हैं? अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप पानी। ये हुआ रफली 350 ml। ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, हमें चाहिए बिल्कुल रूम टेम्परेचर का। पानी डाल के इसको अच्छे से घुमा लें। देखिएगा कि सारे कॉफ़ी बीन्स भीग जाएं। मिलाने के बाद इस पर लिड लगा दें और 30 मिनट के लिए साइड में रख दें। गाइस, 30 मिनट बाद इसको फ्रिज में रख दें। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली भी इसको फ्रिज में रख सकते हैं, बट डायरेक्टली फ्रिज में रखने से हो सकता है कि फ्लेवर्स उतने खुल के नहीं आए। हमें इसको 12 से 24 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ना है। 24 घंटे से स्ट्रॉन्ग ब्रू मिलेगी और 12 घंटे से लाइट। जब टाइम हो जाए तो हम इसे बस बाहर निकालेंगे और इसे छान लेंगे। छानने के काफ़ी तरीके हैं, चाहें तो आप कॉफ़ी फिल्टर ले सकते हैं, चाहें तो आप मलमल का कपड़ा। छानने का कोई भी तरीका गलत नहीं है। तो आज मेरे पास है फ्रेंच प्रेस। फिल्टर करने के बाद बची हुई ग्राउंड कॉफ़ी बहुत ही अच्छा डीटैनर का काम करती है, तो आप चाहें तो इसको स्क्रब की तरह काम में ले सकते हैं। फिल्टर करने के बाद इसे बर्फ़ के साथ एक ग्लास में निकाल लें। आप चाहें तो उसमें दूध, क्रीम, चीनी, या फिर अगर आपको ये स्ट्रॉन्ग लग रही है तो आप पानी भी मिला सकते हैं। जैसा मैंने कि कहा कि कुछ भी गलत नहीं है, आपकी कॉफ़ी है, आपके तरीके से बनाइए। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। ये थी कोल्ड ब्रू कॉफ़ी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।